उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक दल ने मुजफ्फरनगर के विधानसभा खतौली में सभी जातियों को लामबंद कर सम्मेलन के सहारे लुभाने की कोशिश की। रालोद ने सभी जातियों को एकत्र करके भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में रालोद से जुड़े सभी जातियों के सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस सम्मेलन को सपा बसपा रालोद गठबंधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सम्मेलन में जाट, गुर्जर और मुस्लिम के अलावा पिछड़ा वर्ग नजर नहीं आया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने बताया कि खतौली में जानसठ रोड स्थित श्रीराम फार्म्स में भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन हो रहा है। अभिषेक चौधरी का कहना है कि हमें भाईचारा सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है, ये कोई खास विषय नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रीय लोकदल गांव-गांव जाकर किसान पंचायत कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों और जुमलेबाजी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन में 36 बिरादरी के लोग भारी तादाद में मौजूद होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं उनको 2022 में वोट की चोट देकर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाएंगे। भाईचारा सम्मेलन से पहले आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किसान पंचायत का आयोजन हो चुका है। किसान पंचायत के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल जो है अब भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित करने जा रही है। इस तरह से आज पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री खतौली जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे सर समाज के बहुत ऐसे लोग अभिषेक जी, जैसे कि आज सम्मेलन की शुरुआत है, लेकिन ना तो सपा से ही, क्योंकि दो दिन पहले ही जयंत चौधरी जी अखिलेश यादव से मिलकर आए, लेकिन ना तो सपा से ही अखिलेश जी आए हैं ना जयंत जी आए हैं, क्या वजह रही? पार्टी का कार्यक्रम हमसे एक सप्ताह तय हो गया है, ऐसा नहीं कार्यक्रम चलेंगे। यहाँ जयंत चौधरी जी का निर्देश है, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यक्रम नहीं, आने वाले बड़े मंत्रियों में आपसे शेयर ही होगी, वो बड़े नेताओं को लेना जरूरी है और ये राष्ट्रीय लोकदल का प्रस्तावित कार्यक्रम। बसपा सुप्रीमो के द्वारा भी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी जातियों को तोड़ने का काम करती है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा सबको जोड़ने का काम करती है, तो इससे हमारी कोई तुलना नहीं है।